शेफाली एक सांवले रंग की स्कूल टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। हर क्लास की तरह उसकी क्लास में भी कुछ गोरे और काले बच्चे बैठा करते थे। हर रोज की तरह आज भी वो बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी। ऋत्विक प्रेजेंट मैम। नंदनी प्रेजेंट मैम। काव्या प्रेजेंट मैम। ओके, सारे बच्चों की अटेंडेंस हो गई है, अब मैं दोबारा किसी को नहीं लगाऊंगी। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, जितने भी काले बच्चे हैं वो एक लाइन में बैठो और दूसरे गोरे बच्चे एक लाइन में बैठो। सारे बच्चे शेफाली की बात सुनकर हैरान थे। दोस्तों से बिछड़कर अपनी अपनी लाइन में मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और खुसर पुसर करने लगते हैं। अरे तान्या, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया? नहीं यार, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा नंदिनी, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया है? कोई मीटिंग हुई है क्या? नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। तेरे मॉनिटर होने का कोई फायदा नहीं है हमें, चापलूसी करके भी कुछ नहीं पता चलता। बैंगन कहीं की? ए कम बोल, बैंगन तू खुद ही होगी, जुबान संभाल। ओहो, मैं बैंगन नहीं हूँ, मशरूम की तरह सफेद हूँ, समझी तू? और तू है कल्लो माई, और तेरी वो मैडम। ये पीछे शोर क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है शोर? खड़े हो जाओ। वो मैम, हम पढ़ाई का डिस्कस कर रहे थे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे रिवाइज करने के लिए लंच में, है ना नंदनी? हाँ हाँ मैम, हम रिवाइज के लिए ही बात कर रहे थे। तुम तो पढ़ंतु हो, लेकिन इन बच्चों से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जब देखो शोर मचाते हैं। चलो बैठ जाओ और साइंस की बुक निकालो। ओके मैम। ये बोलने के बाद शेफाली बच्चों को अच्छे से पेड़ पौधों के चैप्टर के बारे में बता देती है और फिर ओरल टेस्ट लेना शुरू करती है। अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है, अब मुझे सवाल के जवाब दो। बताओ, आम जिस पर उगता है वो पेड़ होता है या पौधा? मैम मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो। मैम आम का पेड़ होता है। वेरी गुड काव्या, अगला क्वेश्चन ऋत्विक बताएगा। बताओ, किन किन पेड़ पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती? वो मैम, आम के पेड़ को, नीम के पेड़ को और बरगद के पेड़ को पानी डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बैठो। बताओ, क्या हर पेड़ पौधे की जड़ होती है? राहुल तुम बताओ। नहीं मैम, हर पेड़ पौधे की जड़ नहीं होती। गलत जवाब, अभी अभी पढ़ाया था ना मैंने, आओ बाहर निकल कर आओ। मैम मैम प्लीज, आप मारना मत। राहुल काफी डर जाता है और शेफाली चुड़ैल रूप में आकर उसे तीन चार चौटे मारती है। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब तुम कहाँ थे? हाँ, क्यों नहीं बताया सही से आंसर? अब पिटो। चुड़ैल मैम, चुड़ैल मैम मत मारो, अब पढ़ कर आऊंगा। ये तो चुड़ैल मैम है। क्लास के सभी बच्चे शेफाली का चुड़ैल का रूप देखकर बेहद डर जाते हैं। शेफाली चुड़ैल बच्चों से क्वेश्चन आंसर करना जारी रखती है। वो सबसे ज्यादा सवाल जवाब गोरे बच्चों से कर रही थी। चाहे गोरे बच्चे सवाल का सही जवाब ही क्यों ना दे रहे हो, वो तब भी उन्हें ही टॉर्चर करती है। अगर किसी मेरी क्लास में कोई पढ़कर नहीं आया तो उसे मैं बहुत मारूंगी, सबसे ज्यादा गोरे बच्चों को। तुमसे तो मुझे खास नफरत है, इसीलिए तुम सारे बच के रहना, और अगर किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खा जाऊंगी तुम सबको। ये बोलते ही चुड़ैल पहले जैसी बन जाती है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है जिसमें बच्चे रोते हुए कहते हैं, वो मैम कितनी गंदी है और वो चुड़ैल भी है, वो हमें खा जाएंगी, मुझे नहीं रहना इस स्कूल में। यार तू अकेला नहीं है, तेरे साथ साथ मैम ने हमको भी मारा। उन्होंने पहले काले और गोरे बच्चों को अलग किया, फिर उनसे सवाल पूछकर गोरे बच्चों को बहुत मारा। मैं तो कल स्कूल ही नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं आऊंगी, मैम ने काले बच्चों को कुछ नहीं कहा, सवाल गलत देने पर भी हम पिटे, लेकिन ये काले बच्चे काव्या नंदिनी गलत जवाब पर भी चुपचाप बैठे रहे और उनसे सवाल भी ज्यादा नहीं किया। तुम दोनों रो मत, चुप होकर लंच कर लो, फिर से आ जाएंगी नहीं तो। इस तरह तीनों लंच कर लेते हैं। ऐसे ही चुड़ैल रोज आती, गोरे बच्चों को ही डांटती और मारती थी। काले स्टूडेंट्स को वो कुछ नहीं कहती थी, उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। एक दिन डर कर गोरे बच्चे स्कूल नहीं आए तो शेफाली डरा कर उन्हें स्कूल ले आती है, फिर मारती है। छुट्टी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, अगर मुझसे चालाकी करी तो इसी तरह मारूंगी। नहीं मैम,
नहीं, आपसे छुट्टी नहीं करेंगे। अगले दिन राहुल की माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है तो राहुल रजाई में छुपकर रोते हुए कहता है, माँ माँ मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मुझे नहीं जाना, वो चुड़ैल मारती है, बहुत मारती है, वो हम बच्चों को बहुत मारती है, वो सबसे ज्यादा जो गोरा होता है उसी को मारती है। अरे बेटा, मैम को ऐसी चुड़ैल नहीं कहते, पढ़ाई नहीं करोगे तो मार तो पड़ेगी ही, हमें भी पड़ती थी। नहीं माँ नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो सच में टीचर नहीं है, वो चुड़ैल बन जाती है, हमें पढ़ाते पढ़ाते ये देखो हाथ पैर पर उसने कैसे मारा। बेटी के हाथ पर नाखून के निशान देखकर गायत्री भी सोच में पड़ जाती है और सच का पता लगाने स्कूल जाती है। गायत्री स्टाफ रूम की ओर पहुंचती है तो उसे वहां एक चुड़ैल को मांस खाता हुआ देख लेती है, फिर वो शेफाली बनकर कहती है, अरे वाह, आज तो मुर्गा पकड़कर जो चिकन खाया है ना, मजा ही आ गया। अच्छा हुआ जो मुझे उड़ता उड़ता यही दिख गया और मैंने झपट लिया। हाय राम, इसका मतलब मेरा बेटा सही कह रहा था, यही चुड़ैल है जो बच्चों को मारती है। और आखिर क्यों? चुड़ैल का अंत करने के लिए अघोरी बाबा के पास जाना ही होगा। गायत्री जल्दी से अघोरी के पास जाकर सब बता देती है। उसका अंत करने के लिए अघोरी उसी क्लास स्कूल में मंत्र पढ़कर चुड़ैल को एक घेरे में आमंत्रित करता है। ना चाहते हुए भी चुड़ैल उस घेरे में बंद हो जाती है। कौन है, किसने किया है ये मेरे साथ, मार डालूंगी उसे। काली चुड़ैल, मैंने किया है तुझे यहाँ बंद। बता, बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करती है, गोरे बच्चों को मारती है और काले को नहीं? एक अच्छा टीचर वही होता है जो निष्पक्षता के साथ बच्चों को पढ़ाए। कौड़ी का थर्ड क्लास अघोरी, टीचर मैं हूँ ना, ना कि तू, जो तेरे को जवाब दूँ मैं। बताना तो पड़ेगा तुझे हर हालत में। ये कहते ही अघोरी चुड़ैल पर अपना अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद वो बोलती है, बताती हूँ, वो 3 महीने पहले की बात है। स्कूल में मैं बच्चों को बड़े लगन से पढ़ाती थी, मेरे रंग की वजह से मुझे क्लास के बच्चे भी काले मिले, लेकिन मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऐसे ही एक दिन स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन था, प्राइज ये था कि जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा ड्राइंग अच्छी बनाएंगे उस पूरी क्लास को प्राइज मिलेगा। तो अपनी क्लास को मैंने बोला, बच्चों अगर तुम अपनी क्लास को विनर लाना चाहते हो तो सभी बच्चे एनवायरमेंट रिलेटेड ही पेड़ पौधे ऐसी चीजें बनाना और फिर तो स्लोगन भी ऐड करना, इससे हमारे बहुत चांसेस हैं जीतने के। ओके मैम। शेफाली के बच्चे उसकी बात सुनकर पेड़ पौधे फ्लावर ये सब बनाते हैं, वहीं गोरे बच्चे की क्लास टीवी फोन फ्रिज सीनरी ये सब बनाते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। शेफाली क्लास जीतने वाली होती है। गोरी क्लास के बच्चे उनके काले बच्चों की ड्राइंग को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट प्राइज गोरे बच्चों को मिल जाता है और वो फर्स्ट आते आते लास्ट आते हैं। शेफाली को इस बात से बहुत बुरा लगता है। स्कूल में टीचर टोंट मारती है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। उस दिन मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इसीलिए मैं गोरे बच्चों को मारती हूँ, उन्हें पनिश करती हूँ, काले बच्चों को कुछ नहीं कहती। तुमने छोटे बच्चों के साथ भेदभाव करके बहुत बुरा किया, इसका उन पर क्या असर पड़ा होगा, कभी टीचर से पढ़ेंगे नहीं तुम्हारी छवि के कारण, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अघोरी इतना कहकर उसे अपने मंत्रों के जाल से बोतल में कैद कर लेता है और समुद्र में फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर कभी लौट नहीं पाती। गोरी चुड़ैल वर्सेस काली चुड़ैल। ओह नो, मेरी स्किन कितनी डल हो गई है, मेरे बाल भी कुछ खास नहीं है, कल मुझे माया चुड़ैल के पार्टी में जाना है, थोड़ा मेकअप टचअप तो करना पड़ेगा ना, ऐसा करती हूँ मैं पार्लर चली जाती हूँ। ये बोलते ही काली चुड़ैल पार्लर में पहुँच जाती है, जहाँ उसे गोरी चुड़ैल देख कर कहती है, काली अंधेरी रातों की काली चुड़ैल, यहाँ अपना मेकअप करवाने आई है, वो भी ब्यूटी पार्लर में, मुझे नहीं लगता उसका मेकअप तुम्हारे फेस पर जचेगा भी, तुम तब भी काली की काली रहोगी काली चुड़ैल। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काली बोलने की, जिस काम से आई है उसी से मतलब रखो, मुझसे बोलने की कोशिश भी मत करो। ओ काली चुड़ैल को देखो सुलग गई है। तूने फिर से मुझे काली चुड़ैल बोला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
ऐसा कहते ही काली चुड़ैल गोरी चुड़ैल को मारने लगती है। उसके बाल खींचती है और चाटे मारकर फिर गरम स्ट्रेटनर से उसकी नाक को दबा देती है। तभी गोरी चुड़ैल चिल्लाकर कहती है, अरे राम रे, अरे मैं तो मर गई रे, जला दिया इसने मेरी नाक को और बना दिया मुझे रावण की बहन सुपर्ण का, कोई बचाओ मेरी जल गई। अब आया ना मजा, तेरी नाक जल गई, अब तेरी नाक मेरी शक्ल जैसी काली हो जाएगी और फिर तुझे लोग जिस नाम से बुलाएंगे वो तो जानती ही है। तुम्हारे क्यों पसीने छूट रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी, बस बढ़िया सा मेकअप कर दो। अभी करती हूँ मैं। तूने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया काली चुड़ैल, इसका बदला मैं तुझसे सूद समेत लूंगी। ऐसा कहकर गोरी चुड़ैल मोहिनी चली जाती है और काली चुड़ैल अपना मेकअप करवा कर पार्टी में चली जाती है। आखिर ये क्या था, ये दोनों चुड़ैल कौन थी और जानी दुश्मन की तरह लड़ क्यों रही थी, ये जानने के लिए आपको कहानी में आगे बढ़ना होगा। भूतिया लोक में अलग अलग प्रकार के कई चुड़ैल और भूत रहा करते थे, कोई मोटा कोई पतला, कोई भद्दा बदसूर कोई खूबसूरत, तो कोई जंगली जानवर की भांति थे। इस भूतिया लोक की दो चुड़ैल ऐसी थी जो अक्सर लड़ाइयां करती थी। एक चुड़ैल गोरी थी मोहिनी, उसे अपने गोरेपन पर बहुत घमंड था। वहीं दूसरी ओर काली चुड़ैल थी जिसे गोरी चुड़ैल अक्सर उसके कालेपन का मजाक उड़ाकर चढ़ाया करती थी। काली चुड़ैल रागिनी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ थी, वहां भी गोरी चुड़ैल अपने दोस्तों के साथ आती है और कहती है, ओहो ये मनुष्य यहाँ क्यों दिख गई, अभी तो मेरे जले का निशान भी नहीं गया था और इसकी काली शक्ल देख ली और जिसको बेइज्जत करके मुझे अपने आप को खुश कर देना है। यार ऐसे कैसे तुम सूखे सूखे बातें कर रहे हो, थोड़ा नाच गाना धमाल मचा, लगना चाहिए कि तुम्हारे घर पार्टी है। अरे ऐसी बात है तो अभी तुझे नचवाती हूँ। तभी प्रीति चुड़ैल उसे खींच कर ले जाती है और वह नाचती है। मैं नचा पराठे मार के आज तेरे नाल फंक्शन थे, मैं नचा पराठे मार के आज तेरे नाल फंक्शन थे। बहुत नाच रही है ना, नचा पराठे मार के, अब देखते ही शक्ल का मैं क्या हाल करती हूँ। वेटर जरा कोल्ड ड्रिंक लाना। मोहिनी चुड़ैल की बात सुनकर वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है कि मोहिनी अपने पैर से उसे गिरा देती है और वह कोल्ड ड्रिंक उछलकर काली चुड़ैल के मुंह पर आ करती है, जिससे उसका सारा मेकअप सबके सामने खराब हो जाता है और उसकी शक्ल देखकर सारे के सारे कमेंट पास करते हैं। अबे ये क्या जोकर देख लिया मैंने, बिना सर्कस में आए, ये भूतनी कौन सी शक्ल की है, ओहो ये तो वही है मैं नचा फर्राटे मार के। देखो तो इसकी काली सी शक्ल, हमें लगा तो ये कम काली होगी लेकिन इसका मेकअप हटने के बाद तो ये गटर जैसी शक्ल लग रही है। ची 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 ची, कैसी काली सी शक्ल की चुड़ैल है, देखो तो जरा, अपने आप से चलावा कर रही थी, ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को नकली में गोरा कर लिया और सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली। अगर बहन तू अपनी काली शक्ल में भी यहाँ आती तो हम सब तेरे को अपना लेते और पार्टी में आने देते, और तेरा ये जो मेकअप हट गया बड़ा बुरा लग रहा है मुझे तेरी ये शक्ल देख कर। अरे यार इसकी गोबर जैसी काली शक्ल हटाओ ना यहाँ से, सारी पार्टी का मूड खराब हो रहा है। प्रीति तू अपनी पार्टी में बुलाकर मेरी इतनी बेइज्जती करवाएगी ये मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था, और मोहिनी तूने जो मेरे साथ किया ना इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगी, ये मत सोचो कि मैं गुस्से का घूंट पी जाऊंगी। ऐसा कहकर रागिनी चुड़ैल वहां से चली जाती है। ऐसे ही दो तीन मुलाकातों में भी मोहिनी चुड़ैल रागिनी चुड़ैल का बहुत अपमान करती है, जिससे अब उसका और खून खौलता है और वो गुस्से से और काली चुड़ैल बन जाती है और उसमें शक्तियों का भी प्रभाव ज्यादा हो जाता है। दूसरी बार में जब मोहिनी चुड़ैल उसके पास आती है तो कहती है, ओ मुझे नहीं लगता कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी तुम घर से बाहर निकलोगी और मेरी आंखों के सामने आओगी, देखो मेरे सामने जब भी आओगी मैं तुम्हें बेइज्जती करूंगी काली कलूटी बैंगन लूटी चुड़ैल। ऐसा करो वो धरती लोक पर फेयर एंड लवली आता है ना उसे लगा लो, क्या पता तुम्हारा चेहरा थोड़ा खिल उठे, और अगर वो काम नहीं आता तो समझ लेना तुम वाकई में हमेशा काली ही रहोगी। बस बहुत हुआ तुम्हारा, इतनी बार मैंने तुम्हारी बातें सुन ली लेकिन आज तुम नहीं बचोगी मुझसे। ये बोलते ही रागिनी अपने गुस्से से अपनी शक्ति के प्रभाव को गोरी चुड़ैल पर डालती है जिससे वह बहुत दूर जाकर गिरती है। इसका मतलब तुम मुझसे हाथापाई करना चाहती हो, मेरी भी शक्तियों को देख लो। ये कहते ही मोहिनी चुड़ैल उस पर अपनी शक्तियों का प्रभाव डालती है लेकिन काली चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वह उससे ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। ये क्या मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही, ये मुझसे इतनी ताकतवर कैसे हो गई भला। आज तो हार जाएगी मुझसे लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी, समझी मोहिनी, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी सुंदरता पर। मुझे अपने साथियों की जरूरत है,
राकाशा का काया माया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आओ। गोरी चुड़ैल के एक आवाज पर सभी लोग मोहिनी के साथ खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी शक्तियों का प्रभाव एक अकेली काली चुड़ैल पर डालते हैं, लेकिन काली चुड़ैल इन सब को हरा देती है और अपनी शक्तियों से उन पर वार करके उन्हें बेहाल कर देती है। कहाँ है देखो, तुम कैसे मरे हुए मच्छरों की तरफ पड़े हुए हो? जानते हो मैं इतनी ताकतवर क्यों हूँ? क्योंकि तुम्हारे गुस्से से मेरे अंदर की शक्ति बढ़ गई है। मोहिनी चुड़ैल, ये बहुत ताकतवर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये सच में बहुत ताकतवर है, तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था मोहिनी। सबको अपनी रंगत सूरत खुद मिलती है। तुमने बहुत बुरा किया रागिनी चुड़ैल के साथ, तुम्हारे गोरेपन के घमंड ने तुम्हें अरगमंडी बना दिया। तुम मेरे दोस्त हो तो इसकी तरफदारी करना बंद करो और मेरा साथ दोस्त के साथ लड़ने में। मोहिनी की ये बात सुनकर उसके सारे भूत और चुड़ैल रागिनी पर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे रागिनी को कुछ भी नहीं होता और कहते हैं, बहुत दर्द हो रहा है मोहिनी, हम तुम्हारे चक्कर में मरना ही चाहते हैं, अब हम सब जा रहे हैं। तुम सब ऐसे नहीं कर सकते, मुझे छोड़कर मत जाओ, लगता है अब मुझे खुद ही लड़ना होगा। अब मैं अपनी सारी शक्तियां लगा दूंगी और इस काली चुड़ैल को बदसूरत कर दूंगी, जिससे कोई भी भूत इसे नजर उठा के नहीं देखेंगे। ये कहते ही मोहिनी चुड़ैल उस पर भयंकर वार करती है, पर चालाक रागिनी एक दर्पण हाथ से लेती है, जिससे उसका किया वार उस पर ही खुद उल्टा पड़ जाता है और उसका चेहरा जल जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा चेहरा जल गया। देखा तुमने, जो मेरे साथ करना चाहा वो तुम्हारे साथ उल्टा हो गया और तुम्हारे गोरेपन का घमंड टूट गया। मुझे माफ कर दो रागिनी, आज मुझे अपने किए का पछतावा हो रहा है, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, सच में गोरेपन की चमक ने मुझे अंधा कर दिया। रागिनी मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी भी काले व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा है तो मैं भी तुम्हें माफ कर रही हूँ। इस तरह गोरी चुड़ैल का घमंड टूटता है और वह काली चुड़ैल से माफी मांगकर उसके साथ प्यार से रहती है। भूतिया स्कूल। सुनो जी, इतनी रात को जाना जरूरी है क्या? हाँ, पूरे 2 साल बाद स्कूल खुलने जा रहा है। प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है कि कल सुबह उन्हें स्कूल चमकता हुआ चाहिए। इतने बड़े स्कूल को साफ करने में रात भी कम है, इसीलिए जा रहा हूँ। श्याम रात के अंधेरे में स्कूल चला जाता है, जहाँ एकदम सन्नाटा देख कर वो कहता है, 2 साल में ही स्कूल की दशा एकदम खंडर जैसी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्म से यहाँ परिंदे ने भी पर नहीं मारा। वापस लौट जाऊँ क्या? पर अगर वापस गया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। स्कूल के अंदर आकर अंतिम छोर में बने सफाई कर्मचारी के कमरे को जैसे ही खोलता है, सैकड़ों चमगादड़ की टोली शोर मचाते हुए बाहर निकलते हैं। फिर वो डर कर कहता है, ये चमगादड़ तो वही बसेरा बनाते हैं जहाँ बुरी शक्तियाँ होती हैं, कहीं स्कूल भूतिया तो नहीं बन गया? लगता है मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर वो ध्यान भटकाकर बाल्टी और झाड़ू उठाकर सफाई करना शुरू करता है और कुछ क्लासरूम की सफाई करने के बाद वो थक कर कहता है, अरे मैया, अभी तो आधा क्लासरूम भी साफ नहीं किया और हाथ पैर अभी से ही जवाब दे रहे हैं, कमर भी अकड़ गई है, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। अचानक बाल्टी के पानी में तेजी से बुलबुले उठने के साथ पानी का रंग एकदम से लाल हो जाता है और जमीन पर पड़ी झाड़ू भी हवा में उड़ने लगती है, जिसे देख थर्राते हुए कहता है, ये पानी खून में कैसे बदल गया और ये झाड़ू आसमान में कैसे लहरा रही है? ये कुछ तो गड़बड़ है, ये स्कूल भूतिया बन चुका है। फिर एक शैतानी हंसी क्लासरूम के चारों ओर गूंजने लगती है और एक चुड़ैल प्रकट होकर क्लास की दीवार पर चलते हुए कहती है, चुड़ैल उसे अपने भयानक कारनामों से डराने लगती है और श्याम तेजी में स्कूल के बाहर भागने लगता है। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी होती है और श्याम चुड़ैल को इतने करीब देख कर वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह होने पर जब सूरज की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं बचा कैसे? वो चुड़ैल तो एकदम सामने थी, मुझे बात में वक्त जाया करने के बजाय गांव जाकर सबको बताना होगा कि स्कूल भूतिया बन चुका है। श्याम दौड़कर गांव आकर सभी को इकट्ठा करता है, तभी धनिया कहती है, श्याम का बात के खातिर हम सब बन के यहाँ बटोरे हो? अरे धनिया भौजाई, कोई भी अपने बच्चों को स्कूल मत भेजना, स्कूल भूतिया हो गया है। अरे श्याम बौरा गया है, महामारी और तालाबंदी के 2 साल बाद स्कूल खुला है, तू भूत प्रेत का जिक्र करके बच्चों का भविष्य खराब करना चाहता है क्या? अरे चलो सबन, आज से बच्चन का स्कूल भेजे के है।
मैं सच कह रहा हूँ, वो स्कूल भूतिया बन चुका है। स्कूल भेजकर तुम सभी अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। श्याम के लाख चिताने पर भी सभी उसकी बात को नजरअंदाज करके अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और वो चपरासी के कपड़े पहने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में आकर कहता है, साहब मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी थी। मैंने तुम्हें कल वार्निंग दी थी कि स्कूल अच्छे से साफ होना चाहिए, पर तुमने काम में लापरवाही की। अब तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे अब यह नौकरी करनी भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। ये स्कूल भूतिया हो चुका है। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक नरभक्षी चुड़ैल का बसेरा हो गया है। How dare you talking nonsense? तुम स्कूल का नाम बदनाम करना चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से। स्कूल की घंटी बजने के साथ सभी कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाती है और टीचर के आने के साथ बच्चे कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। बच्चे बेंच पर बैठते हैं कि अचानक सभी के बेंच पीछे खिसक जाते हैं और बच्चे जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर चुड़ैल टीचर के पीछे खड़ी हो जाती है और बच्चे डर कर कहते हैं, चुड़ैल चुड़ैल। क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हें चुड़ैल दिख रही हूँ? मैडम आपके पीछे चुड़ैल है। क्लास टीचर पीछे मुड़कर देखती है कि अचानक चुड़ैल धुआं बनकर गायब हो जाती है। तो बच्चों बताओ, 2 साल तुमने घर रहकर क्या सीखा? मैंने तो गाना सीखा, पायर तोड़ा हाथर वाला था के जोड़ी सिटी गोल्डन चैन दिए जवान ऊ कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम। राजू टेबल पर चढ़कर नाचने लगता है, तभी चुड़ैल उसे हवा में उड़ाकर प्रकट होकर कहती है, अरे वाह क्या दर्द है तेरी आवाज, क्या गाया तूने। जी तो करता है कि तुझको बादाम की रेत भरी भट्टी में झोंक दूं। चुड़ैल की शक्तियों से क्लासरूम का माहौल एकदम डरावना हो जाता है और लाइट जलने बुझने लगती है। तेज हवा के झोंके से सभी हिलने लगते हैं और राजू डर कर कहता है, इस चुड़ैल से डर लग रहा है। अरे जालिम चुड़ैल, छोड़ दे उसे। छोड़ दूं? ठीक है छोड़ दिया। बेरहम चुड़ैल उसे नीचे गिराकर अदृश्य हो जाती है। नन्हे राजू के मुंह से बेतहाशा खून बहने लगता है और उसके साथ उसकी तड़प कर मौत हो जाती है। फिर आंचल कहती है, भागो बच्चों, सभी भागो, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। सभी चुड़ैल से जान बचाते हुए क्लासरूम से निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं, जहां स्कूल प्रिंसिपल कहता है, मिस आंचल आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, आर यू ओके? प्रिंसिपल सर, हमारा स्कूल हॉन्टेड हो चुका है पूरी तरीके से। एक चुड़ैल ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। एक स्टूडेंट मिसिंग क्यों है? उस खूंखार चुड़ैल ने राजू को मार डाला। सभी डरे हुए थे, तभी चीखने की आवाज सुनकर सभी बाहर निकलते हैं तो चुड़ैल विक्रांत के कंधों पर सवार होकर हंसते हुए कहती है, आज मैं ऊपर, ये मेरे नीचे, आज मैं आगे, स्कूल मेरे पीछे। रुको, अगर आगे बढ़े तो इसके कंधे कंधा देने के लिए भी नहीं बचेंगे। Somebody help me, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। विक्रांत डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्रिंसिपल को आगे बढ़ता देखकर चुड़ैल भयंकर आंधी का बवंडर मचा देती है और प्रिंसिपल के कदम पीछे खिसकने लगते हैं। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और प्रिंसिपल कहता है, विक्रांत आर यू फाइन? यस आई एम ओके। हमें जल्दी से ही कुछ करना होगा, वरना ये चुड़ैल सब कुछ तहस नहस कर देगी। हम संख्या में बहुत कम है, हमें चुड़ैल से निपटने के लिए लोगों की मदद लेनी होगी। सभी जन स्कूल से निकलकर गांव आकर चुड़ैल की दहशत का जिक्र बताते हैं और श्याम कहता है, मैंने आप सभी को चेतावनी दी थी कि स्कूल भूतिया हो चुका है। आपके यकीन न करने की वजह से आज एक मासूम की जान चली गई। ये समय गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं है। वर्षों से स्कूल बंद था, इसलिए स्कूल में रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अंधेरा पाकर उस चुड़ैल ने स्कूल को अपना ठिकाना बना लिया है। देनु काका, क्यों ना हम गांव के बाहर वाले जंगल को साफ सुथरा कर दें? हाँ चलो। सभी मिलकर चुड़ैल के लिए जंगल को साफ करके स्कूल पहुंचते हैं। चारों ओर काली रात और आंधी के बीच स्कूल के मैदान में उड़ रही चुड़ैल को देखकर वो कहते हैं, चुड़ैल छोड़ दे इस स्कूल को। कभी नहीं, ये मेरा अड्डा है, मैं पिछले 2 साल से यहीं रह रही हूँ। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, स्कूल से बच्चों का भविष्य जुड़ा है। हमने जंगल में साफ सफाई करके तुम्हारे रहने का प्रबंध कर दिया है। चुड़ैल आंटी प्लीज आप चली जाओ। सभी की विनती सुनकर
चुड़ैल पिघल जाती है और कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, पर अगर उस जंगल में किसी ने भी कदम रखा तो मैं उसे खा जाऊंगी। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अचानक मौसम भी एकदम शांत और साफ हो जाता है और भूतिया स्कूल दोबारा से बच्चों की शिक्षा का केंद्र बन जाता है। भूत और चुड़ैलों का स्कूल। रात के समय कहीं से पढ़ाने की आवाज आ रही थी। A for apple, B for ball, C for cat. सोते वक्त मीनू के कानों में कुछ बच्चों के पढ़ने की आवाज आ रही थी। जिस आवाज को सुनते ही वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाती है, जो कि एक पुराना खंडहर सा डरावना स्कूल होता है। तभी एक डरावनी टीचर उससे कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जल्दी, क्लास में मैम आने वाली है। पर मैम मेरी कोई क्लास नहीं है। लगता है तुम यहाँ से भाग रही हो, चलो तुम्हें मैं ही छोड़कर आती हूँ क्लास में। वो चुड़ैल टीचर मोनू को घूमता देख उसी क्लास में बिठा देती है, जिसके बाद वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे भूतिया बच्चे बैठे हुए हैं। और एक बच्चा कहता है, अरे तुम जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, मैडम आने वाली है, मैम ने तुम्हें खड़ा हुआ देखा तो तुम्हें बहुत डांटेंगी। मीनू जैसे ही बैठती है तभी क्लास में एक डरावनी टीचर नैन तारा हाथ में छड़ी लिए आती है और कहती है, ये क्लास में इतने कम बच्चे क्यों हैं? कहाँ हैं बाकी के बच्चे? तुम लोगों से पढ़ा भी नहीं जाता ना। वो मैम निशा की तबीयत खराब थी इसीलिए वो आई नहीं। अच्छा तो निशा मैडम की तबीयत खराब है, अभी उसे घर से बुलवाती हूँ। रमेश जल्दी आओ। नैनतारा के इतना कहने पर भूतिया प्यून रमेश आता है। जी मैडम बोलिए। रमेश जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं उन बच्चों को घर से अभी लेकर आओ, मुझे इतने कम बच्चों को पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, जाओ और अभी लेकर आओ, चाहे जबरदस्ती कहीं से भी लाना पड़े पर लाओ। जी मैडम। नयनतारा की बात सुनकर रमेश बच्चों को पकड़ने आधी रात में चला जाता है, जहां वो कुछ सोते हुए बच्चों को उठा कर ले आता है और क्लास में बिठा देता है। वो बच्चे रो रहे थे तभी उनकी रोने की आवाज सुनकर नयनतारा गुस्से से कहती है, क्या बदतमीजी है ये, क्यों इतना शोर हो रहा है, चुप हो रहे हो या मारू तुम्हें? मुझे रोने वाले बच्चों से सख्त नफरत है और जो पढ़ाई नहीं करते उनसे मुझे डबल नफरत है। मुझे घर जाने दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। ये बच्चा चुप नहीं हो रहा ना, अब बताती हूँ तुम्हें। नैनतारा इतना कहते ही उस बच्चे को हवा में पटकने लगती है, जब तक उसके सिर पर चोट नहीं लग जाती और कहती है, अब रोना बंद करोगी या और मारूं? सीट पर जाकर बैठ जाओ, अगर किसी भी बच्चे ने इसकी तरह हरकत की तो उसका यही हश्र होगा जो अभी तुम सबने अपनी आंखों से देखा है। बोलो पढ़ोगे या मरोगे? मैम हम पढ़ेंगे, मैम हम पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना तो जल्दी से किताबें निकाल कर पढ़ो, उसके बाद मैं तुम सबसे टेस्ट लूंगी। जी मैम आप टेस्ट लेना। कुछ देर बाद बच्चे पढ़ते हैं और फिर नयनतारा सब बच्चों का टेस्ट लेती है, जिसके बाद मीनू कहती है, ये डरावनी मैडम तो बहुत गुस्से वाली है, अगर मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं क्या करूंगी, मैंने तो अच्छे से पढ़ा भी नहीं है। ये ऋषभ मीनू नीरज काव्या ये बच्चे खड़े हो जाएं जल्दी। कहीं मैडम हमें मार ना दे, लगता है मैंने टेस्ट पेपर अच्छे से नहीं किया। क्या तुम्हें भी मेरी तरह डर लग रहा है? हाँ लग रहा है, शायद मैंने जिन बच्चों को खड़ा किया है उन्हें मैम सजा देंगी गंदे मार्क्स लाने की वजह से। हाँ हो सकता है। ये तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हो? नयनतारा की बात सुन बच्चे डरे सहमे आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हें पता है तुम लोगों ने कैसा टेस्ट पेपर दिया है? सारे बच्चे क्लैपिंग करो इनके लिए, इन बच्चों के 50 out of 50 मार्क्स आए हैं।
ये सुनते ही वो बच्चे और क्लास के बाकी बच्चे हैरान हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी नयनतारा उन्हें चॉकलेट देते हुए कहती है, मैं तुम लोगों के रिजल्ट से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें चॉकलेट दी है। और अब मैं चाहती हूँ तुम बाकी बच्चे भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। अभी तो मैं उन बच्चों को भी डांटूंगी जिनके जीरो आए हैं। ये बोलते ही नयनतारा अच्छे नंबर वाले बच्चों को सीट पर बैठा देती है और जिन बच्चों के जीरो आते हैं उन्हें वो जमीन पर पटक कर मार डालती है, कुछ को हवा में लटका कर रखती है। ऐसे ही रात के 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है और वो सब बच्चों को कहती है, कल सभी बच्चे टाइम से रात के 12 बजे स्कूल में आ जाना, जो नहीं आया मैं उसे मार डालूंगी। समझ आई मेरी बात? और जो पढ़ेगा नहीं उसे तो तुम्हें पता है ना क्या ही सजा मिल सकती है। इस तरह बच्चे उनकी बात सुनकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन भूतिया बच्चे उसी स्कूल में रहते थे। वहीं अगले दिन बच्चे फिर आते हैं और भूतिया नयनतारा सब बच्चों को पढ़ाती है और ना पढ़ने वालों को सजा भी देती है। तभी युग नाम का भूतिया स्पोर्ट्स टीचर आकर कहता है, चलो सब बच्चे मेरे साथ, आज तुम्हारा गेम पीरियड है, अब मैं तुम्हें गेम सिखाऊंगा। सारे बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। ये आज तो हम गेम खेलने जाएंगे प्लेग्राउंड में। वाओ, मुझे भी खेलना है गेम। वही खुश होकर सभी बच्चे उस भूतिया टीचर के पीछे जाते हैं, जहां बच्चे उससे पूछते हैं, सर आज हम कौन सा गेम खेलेंगे? मैं बताता हूँ। ऐसा बोलते ही वो एक बच्चे का सिर काट देता है और उसकी बॉल बनाकर कहता है, ये है तुम्हारी बॉल, इससे खेलो। ये क्या सर, ये आपने विक्रम को क्यों मार डाला? क्योंकि कल ये बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा था, मैंने इसे टोका ये फिर भी नहीं माना, इसलिए आज मैंने इसकी मुंडी अलग कर दी। अब तुम इसकी मुंडी से ही बॉल बनाकर खेलो, वरना मैं तुम्हारे साथ भी यही करूँगा। हम खेलते हैं। हम बच्चे उस भूतिया स्पोर्ट्स टीचर के डर से खेलने लगते हैं। क्लास में दोबारा पढ़ाया जाता है तो बच्चों के ना पढ़ने पर टीचर उन्हें बहुत मारती है, जिसे देखकर बच्चे डर कर भागने की कोशिश करते हैं। तभी टीचर उन्हें पकड़ कर बिठा देती है और उन्हें समझाते हुए कहती है, बच्चे तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? देखो मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद है। आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि हम भूत और चुड़ैल तुम्हें इतना डांटते क्यों हैं पढ़ने के लिए। पिछले साल की बात है, हम इसी स्कूल में सभी बच्चों को पूरी लगन से पढ़ाते थे, लेकिन 26 जनवरी के चक्कर में यहाँ 25 जनवरी को ही स्कूल में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। उन्होंने जगह जगह इस बिल्डिंग में बम फिट कर रखे थे। मैंने किसी तरह बच्चों को बाहर निकाल दिया। बच्चों यहाँ खतरा है, बिल्डिंग में बम है। युग तुम जल्दी से बच्चों को बाहर निकालो, सुरक्षित वो भी। और आप चलिए। नहीं आप जाइए, मैं ऊपर से बच्चों को लेकर आती हूँ और उस बम को भी डिफ्यूज करने का सोचती हूँ। ये सुनकर युग सब बच्चों को वहाँ से निकाल देता है। तभी नयनतारा को बाहर ले जाने आता है। स्कूल में एक जोर का धमाका होता है जिसमें बाकी टीचर्स के साथ नयनतारा और युग भी और 2-3 बच्चे भी मर जाते हैं। उसी के बाद से जितने लोग उस बिल्डिंग में रह गए थे वो भूत और चुड़ैल बन गए। मेरे पढ़ाने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए अभी भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ताकि तुम बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, कोई भी टेररिस्ट ना बने। बस यही सोचकर हम मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाते हैं। मैम हम आपकी बात को समझ गए, अब से हम खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, आप देखना। हाँ मैडम, मैं तो बड़े होकर आपकी तरह टीचर बनूंगा। दोनों बच्चों की बात सुनकर भूत और चुड़ैल खुश हो जाते हैं। किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती कि उस स्कूल में भूत और चुड़ैल स्कूल चलाया करते थे। माना जाता है कि आज भी वो चुड़ैल और भूत बच्चों को पढ़ाते हैं। चुड़ैल के गोलगप्पे और बच्चे। शाम के बाजार में एक मोहना अलग ही गोलगप्पे का ठेला लगाकर अलग अलग प्रकार के गोलगप्पे बेच रही थी। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, हरी चटनी, लाल चटनी और चॉकलेट वाले, कैंडी वाले गोलगप्पे ले लो, बच्चों के लिए स्पेशल चॉकलेट कैंडी के गोलगप्पे। मोहना के गोलगप्पे के बारे में सुनकर कुछ लोग मुंह बनाकर जा रहे थे तो कुछ बच्चे चॉकलेट के नाम से उन गोलगप्पा को खाने की जिद करते हैं। तभी दिया की माँ ममता कहती है, अरे दिया पता नहीं वो कैसे गोलगप्पे होंगे, मुझे तो चटपटे गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। माँ
माँ मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वो आंटी ना चॉकलेट और कैंडी वाले गोलगप्पे बेच रही हैं। मुझे खिलाओ ना। पर बेटा, माँ प्लीज मुझे खिला दो ना, वो कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया है चॉकलेट वाले गोलगप्पे। अच्छा ठीक है, चलो खिलाती हूँ। सुनिए, जरा ये चॉकलेट वाले गोलगप्पे खिलाना कैसे दिए हैं? जी, दो चॉकलेट गोलगप्पों के साथ दो स्ट्रॉबेरी या कैंडी वाले गोलगप्पे फ्री। आंटी आंटी, मुझे दोनों गोलगप्पे खिला दो। और मुझे एक प्लेट तीखे गोलगप्पे बनाकर खिला दो। मोहना दोनों को उनके मनपसंद गोलगप्पे बनाकर खिला देती है, जिसके बाद दिया कहती है, वाह आंटी, ऐसी चॉकलेट गोलगप्पे तो मैंने कहीं नहीं खाए ना, ना ही कहीं देखे है। अच्छा, तुम्हें पसंद आया ना, ये लो मेरी तरफ से एक और फ्री। और जब मन करे तब आ जाना ये वाले गोलगप्पे खाने, और अपनी फ्रेंड्स को भी खिलाना। ठीक है आंटी। इस तरह से दोनों माँ बेटी गोलगप्पे खाकर चली जाती हैं। तभी सिमोना नाम की एक लड़की मोहना के पास आती है। आंटी, मैंने आपके गोलगप्पे के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी जरा चॉकलेट गोलगप्पे खिलाइए ना। हाँ ये लो खाओ, लेकिन मैं तुम्हें और चॉकलेट वाले गोलगप्पे फ्री में दूंगी। उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम आंटी? चॉकलेट गोलगप्पे स्पेशली मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाए हैं, तो तुम ना छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ। ठीक है आंटी। मोहना सिमोना को भी चॉकलेट गोलगप्पे खिला देती है। खाने के बाद सिमोना अपनी तरह के 5-6 छोटे बच्चों को गोलगप्पे खिलाने लाती है, जिन्हें खाकर वो छोटे बच्चे कहते हैं, अरे वाह, ऐसे गोलगप्पे तो मैंने कभी नहीं खाए। हाँ रश्मि, तू सही कह रही है, मैंने भी इस तरह के गोलगप्पे कभी नहीं खाए। अरे बच्चों, अभी तक तुमने सिर्फ चॉकलेट गोलगप्पे खाए हैं, अब तुम वनीला और कैंडी फ्लॉस वाला गोलगप्पा ट्राई करो। ये लो खाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। अरे वाह आंटी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, ये तो पसंद है। ठीक है आंटी, टाटा। ये कहते ही सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। उन्हें मोहना के हाथ के अलग अलग गोलगप्पे काफी पसंद आते हैं। पर आखिर ये मोहना नाम की औरत कौन थी, और क्यों बच्चों को फ्री में ऐसे गोलगप्पे खिला रही थी? क्या इसके पीछे उसकी कोई गहरी साजिश थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को मोहना एक खाली सी गुफा में अपने असली रूप चुड़ैल रूप में घूम रही थी, जहां चारों तरफ मशाल जल रही थी। इतना वक्त हो गया, कहां है ये बच्चे? जब तक ये छोटे बच्चे आएंगे नहीं, तब तक मैं अपना काम शुरू नहीं कर पाऊंगी। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों के मंत्र पढ़कर बड़बड़ाने लगती है कि इतने में वो सभी बच्चे उस गुफा में चुड़ैल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्होंने मोहना के गोलगप्पे खाए थे, लेकिन बच्चों के साथ 2-4 बड़े लोग भी थे जिनकी चुड़ैल को जरूरत नहीं थी। अरे वाह, आखिर मेरा वश इन्हें यहाँ तक ले ही आया। पर ये बूढ़ी औरत क्यों आ गई? ओहो, इन्होंने भी मेरे हाथ के गोलगप्पे खाए थे, शायद इसीलिए यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तो इन्हें मरना होगा। ये बोलकर मोहना उन लोगों को मार डालती है, फिर एक हाथ से ऐसा जादू करती है कि वो सभी बच्चे एक जेल में बंद हो जाते हैं। और मोहना कहती है, अब जो मैं चाहती हूँ वो होकर ही रहेगा, लेकिन अमावस की रात तक का मुझे इंतजार करना होगा, तभी मैं इन बच्चों की बलि दे पाऊंगी। तब तक के लिए तो इन्हें यही रखना होगा, मुझे बच्चे कम लग रहे हैं, थोड़े और लेकर आ जाती हूँ, तभी तो मेरी शक्तियाँ बढ़ेंगी। अगले दिन बच्चों को होश आता है तो वो मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहे होते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ओह तो तुम सब बच्चे जग गए, अरे अब ये रोना बंद करो, मेरा कान मत खाओ। आप गंदी हो, हमें छोड़ो, जाने दो, हमें मम्मी के पास जाना है। अब तुम कभी अपनी मम्मी पापा से नहीं मिल पाओगे, यही सड़ते रहोगे। ये कहकर चुड़ैल उन बच्चों के मुंह पर पट्टी बांधकर बाजार चली जाती है। अपना भेष बदलकर चुड़ैल और भी बच्चों को गोलगप्पे खिलाकर अपने कैद में ले आती है। धीरे धीरे गांव के बच्चे कम हो जाते हैं, उनके माँ बाप रोने लगते हैं। अमावस की रात आ जाती है, चुड़ैल एक बहुत बड़ी विधि करती है जिसमें अब उसे बच्चों की आहुति देनी होती है, लेकिन इससे पहले उसे एक भयानक नृत्य करना होता है जिसे वो अपने इष्ट असुर को खुश कर सके। जय महाकाल असुर की, महाकाल मेरा ये नृत्य आप पर न्योछावर है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा, धूमतना धूमतना धूमतान धूमतान।
इस तरह असुर को खुश करने के लिए वो नृत्य करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बेचारी माँ अपने बच्चे का शोर लिए तांत्रिक बुढ़िया के पास आती है और उससे कहती है, अम्मा आप पर तो दैविक शक्ति है ना, तो पता करने की कोशिश कीजिए ना हमारे बच्चे कहाँ गायब हुए हैं। बेटा वो मुझ पर पहले थी, अब नहीं है, लेकिन मैं हक से कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ किसी बुरी आत्मा को महसूस किया है, वही बच्चों को लेकर गई है। पर क्यों अम्मा जी, सारी बच्चों को वो क्यों लेकर गई है? देखो मेरे पास एक किताब है, इस किताब में लिखा है कि एक अलग प्रकार की चुड़ैल होती है जो 10-12 बच्चों का समूह बनाकर अपनी देवता को बलि चढ़ाती है ताकि वो शक्तिशाली हो सके। मुझे लगता है ये वही है। अगर हमने इसकी इस विधि को तोड़ दिया तो उसी में इसकी जान चली जाएगी और हमारे बच्चे वापस लौट आएंगे। तो देर किस बात की है अम्मा, पता लगाइए ना वो कहाँ है इस वक्त, हम चलते हैं उसकी विधि भंग करने। ये पता करने के लिए मुझे 2 मिनट दो। बुढ़िया आंख बंद करके उस जगह का पता लगाती है तो उसे हल्की हल्की गुफाएं और रोते हुए बच्चों का चेहरा नजर आता है। मुझे उस जगह का पता चल गया है, जल्दी से सब उस नीली चोटी वाली पहाड़ी पर चलो और हाँ गंगा जल जरूर लेना। ठीक है अम्मा। वो बुढ़िया गांव के आधे लोगों को लेकर उस गुफा में पहुंच जाती है। चुड़ैल बच्चों की बलि दे ही रही थी कि इतने में बुढ़िया उस पर गंगा जल छिड़क कर कहती है, पापी चुड़ैल आखिर बच्चों को कैद करके तुझे क्या मिल रहा था, अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहती थी ना तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मेरी विधि को भंग क्यों किया? माँ अपने बच्चे को पाने के लिए किसी भी हद तक पहुँच सकती है। तूने मेरा सारा काम खराब कर दिया बुढ़िया, अब तुझे मैं मार डालूंगी, तूने मेरे परसों की मेहनत खराब कर दी। ये बोलते ही चुड़ैल उस बुढ़िया को मारने जा रही थी कि उसकी विधि वाले चक्र में से जमीन से बहुत ही भयानक जानवर बाहर निकलता है जो चुड़ैल को कहता है, तूने मुझसे बच्चों की बलि देने का वादा किया था इसलिए मैंने तुझे आदि शक्ति पहले दे दी थी, लेकिन तूने मेरी बात को टाल दिया जिसके लिए अब तुझे अपनी जान देनी होगी। असुर महाराज माफ कर दीजिए मुझे, एक और मौका दीजिए। ये बोलते ही वो शैतान उस चुड़ैल को निगल जाता है जिसके बाद वहाँ से सारी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सभी बच्चे अपनी माँ के गले लगते हैं और उस बुढ़िया का सब धन्यवाद करते हैं।